दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है और इसके कितने प्रकार हैं, इसका उपयोग, फायदे व नुकसान क्या होते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। जिस तरह हम सभी के पास दिमाग है और हम उसका उपयोग कर नामुमकिन चीजों को मुमकिन कर जीवन की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, आज मानव नई नई मशीनों का आविष्कार कर जीवन को सुविधाजनक बना रहा है। मानव और पशु में सिर्फ एक दिमाग का ही अंतर होता है। भगवान द्वारा दिए गए इस अमूल्य तोहफे दिमाग का इस्तेमाल कर आज मानव नकली दिमाग बनाने की ओर प्रयासरत है, जिसे हम सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि। यह एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा किसी भी मशीन को सीखने और समझने की क्षमता प्रदान की जाती है, ठीक उसी तरह जैसे मानव अपने दिमाग द्वारा सोचता है। आज मशीनों को मानव जैसा दिमाग दिया जा रहा है, या यूं कहें कि उनके दिमाग को इतना उन्नत किया जा रहा है कि वो हम इंसानों की तरह सोच सकें व काम कर सकें। हम अपने दैनिक जीवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। जैसे हम सभी के पास आज स्मार्टफोन होते हैं, अगर आप YouTube में किसी एक टॉपिक पर वीडियो देख लेते हैं, तब YouTube के एल्गोरिदम के अनुसार YouTube आपको सेम टॉपिक से संबंधित और कई वीडियोस देखने का सुझाव देता है। दरअसल यह सुझाव आपके द्वारा सर्च किए गए वीडियो के आधार पर लिए जाते हैं। इसके अलावा स्मार्ट होम डिवाइस, एप्पल सीरी, गूगल मैप आदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही उदाहरण हैं। इस समय कई मशीनों के पास दिमाग है और ये मशीनें अपना काम बखूबी कर भी रही हैं। परंतु हम इन्हें होशियार मशीन नहीं कह सकते, क्योंकि इन मशीनों में इमोशंस नहीं होते और ये उतना ही कार्य कर सकती हैं जितना इन्हें निर्देश मिला हो। ये मशीनें ना तो खुद निर्णय ले सकती हैं और ना ही लोगों की पहचान ही कर सकती हैं। जॉन मैकार्थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संस्थापक थे। उन्होंने अपने साथी मार्विन मिंस्की, हर्बर्ट साइमन और एलन नेवल के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित अनुसंधान किए। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही हिस्सा है, जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम्स बिना किसी की मदद के अपने आप सीख सकते हैं। यह काम डीप लर्निंग तकनीक के कारण संभव होता है। मशीन लर्निंग द्वारा कंप्यूटर को डेटा और अनुभव से सीखने में सक्षम बनाया जाता है। मशीन लर्निंग का इस्तेमाल आज बैंकिंग, हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्रों में किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से ऐसी मशीनें बना ली गई हैं जो एक्सरे रीडिंग के साथ साथ इंसान का ऑपरेशन भी कर सकती हैं। इस तरह आज यह तकनीक हमारे लिए कितनी जरूरी है और आगे आने वाले समय में काफी फायदेमंद भी साबित होगी। जिस तरह हम इंसान किसी भी प्रॉब्लम को पहले सीखते, समझते, फिर उसे प्रोसेस करते हैं, उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि क्या सही होगा और आखिर में प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, इसके बारे में सोचते हैं, उसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीनों को भी इंसानों की तरह ही सोचना सिखाया जाता है। यह एक प्रोसेस है और कंप्यूटर सिस्टम में ही किया जाता है। इस प्रोसेस में 3 स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला है लर्निंग। इसमें मशीनों के प्रोग्राम में कुछ इन्फॉर्मेशन डाली जाती है, साथ ही कुछ रूल्स भी सिखाए जाते हैं, जिससे मशीन उन रूल्स को फॉलो करके किसी दिए गए कार्य को पूरा कर सके। दूसरा स्टेप रीजनिंग। इसमें मशीनों को कुछ निर्देश दिए जाते हैं, जिन्हें फॉलो कर मशीन एक सही रिजल्ट तक पहुंचने के लिए सही निर्देशों को चुन सके। और तीसरा स्टेप होता है सेल्फ करेक्शन। इसमें सही इन्फॉर्मेशन को चुनकर सबसे सटीक परिणाम प्रदान करना होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहला है रिएक्टिव मशीन्स। इस तरह की AI में ऐसी मशीनें हैं जो केवल प्रेजेंट डेटा पर कार्य करती हैं और पूर्व निर्धारित कार्यों को एक सीमित समय तक ही पूरा कर सकती हैं। भविष्य का आकलन ऐसी मशीनें नहीं कर सकती, क्योंकि इनमें वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखकर ही डेटा तैयार किया जाता है। दूसरा है लिमिटेड मेमोरी। इस प्रकार के AI में अपने पास्ट डेटा का अध्ययन कर निर्णय लेने की क्षमता होती है। इनके पास थोड़े समय के लिए लिमिटेड मेमोरी भी होती है,
सेल्फ ड्राइव कार्स में लिमिटेड मेमोरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होती है जो तुरंत निर्णय लेने के लिए डेटा का इस्तेमाल करती है। नंबर 3 है थियरी ऑफ माइंड। यह एडवांस टाइप की एआई तकनीक होती है। यह तकनीक अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। वैज्ञानिक इस क्षेत्र में निरंतर प्रयासरत हैं। इस तरह के एआई को भावनात्मक बुद्धि से जोड़ना है ताकि मानव विचारों को अच्छे से समझा जा सके। नंबर 4 है सेल्फ अवेयर। इस तरह के एआई में मशीनों की अपनी सोचने की शक्ति व जागरूकता होगी, जैसे मनुष्य सोच समझकर अपने निर्णय लेता है। इस प्रकार की एआई टेक्निक मानव जाति के लिए बड़ी मुसीबत भी बन सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अपने कुछ लाभ और हानियां भी हैं, जैसे एआई ह्यूमन एरर को कम करता है व किसी भी जटिल काम को कुछ ही समय में पूरा कर लिया जाता है। यह 24 घंटे तक काम कर सकता है। यह टेक्निक अभी महंगी है। इसके आने से मानव आलसी भी हुआ है और इसने बेरोजगारी की समस्या को भी बढ़ा दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हॉलीवुड की कई फिल्में भी बन चुकी हैं, जैसे टर्मिनेटर, ब्लेड रनर, स्टार वॉर आदि। भारत में बनी रोबोट फिल्म भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक उदाहरण है। इस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निर्माण हमारी सभ्यता के इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है, जिसके अपने लाभ और हानियां भी हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।